आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज अब तक में, जो दिखाएगा राज्य की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में करेंगे अगवानी। कार्यकर्ता सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए जोरों शोरों से कर रहे हैं तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 25 सितंबर को भोपाल दौरे पर हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह महाकुंभ आयोजित किया गया है। इसी के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। भाजपा ने 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ को विश्व में किसी पार्टी का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। इस महाकुंभ के चलते शहर में तेजी से प्रचार चल रहा है, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में व कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य नेताओं के पोस्टर व होर्डिंग्स नजर आए। ताकि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, तो यहीं से सीधे वापस चले आए। कितना लोग हमने 5 लाख लोगों का कार्यालय बोला है, परंतु जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ऊपर जाने वाली है। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के नेता रामेश महंत ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक के बेटे रामेश महंत ने पार्टी छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही। गौरतलब है कि रामेश महंत का भारतीय जनता पार्टी से पूर्व का नाता है और उनके पिता मथुरा महंत लहरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। पूर्व में राकेश महंत के द्वारा भाजपा से टिकट न मिलने के कारण बसपा का दामन थाम लिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा। पर उनके घर वापसी से भाजपा को संबल मिलेगा। भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बसपा नेता रामेश महंत ने रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में जम्बूरी मैदान पर आयोजित कार्यकर्ता बैठक में भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। चुनावी साल में भाजपा को लगा करारा झटका। वरिष्ठ नेता पद्मा शुक्ला ने दिया इस्तीफा और थामा कांग्रेस का दामन। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। यहां 15 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को चुनाव से पहले करारा झटका लगा। विजय राघवगढ़ से भाजपा की कद्दावर नेता पद्मा शुक्ला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी, जिसे की राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पद्मा शुक्ला ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया व छिंदवाड़ा क्षेत्र में कमलनाथ जी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। भोपाल में आए दिन ठगी का मामला सामने आ रहा है। वहीं एक युवक खुद को एक मंत्री का रिश्तेदार और RNS कॉलेज का डायरेक्टर बताकर ठगी करने वाले शातिर जालसाज को TT नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आधा दर्जन युवाओं को एडमिशन के नाम पर लगा चुका लाखों का चूना। धोखाधड़ी का मामला आया हुआ है, तो हम यहाँ के TT नगर प्रभारी से बात करते हैं, जो जिनके हाथ में प्रभार है यहाँ TT नगर थाने का। तो थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर हमें इस बारे में। क्या ये मामला है? ये राजेश कुमार शर्मा है। इसने 3 लोगों से, संजय सर फरियादी है संजय शर्मा और उनके रिश्तेदारों से 60,000 रुपये दिया था। ये RNS कॉलेज है ग्वालियर में, उसमें डिप्लोमा कर्म कराने के लिए BEd और D.Pharma। तो सर इसमें क्या क्या अपराध है? अभी तो इसमें धोखाधड़ी का अपराधी कायम किए हैं 420 का, और आगे पता चल रहा है कहने लगे इसने प्रधानमंत्री अटल योजना में भी कुछ लोगों से पैसे लिए, उनकी जानकारी उठा रहे हैं प्रकरण विवेचना में। कहाँ का रहवासी है? ये रहने वाला है मुरार ग्वालियर तरफ का है, अभी वर्तमान में पुराने MLA क्वार्टर में रहता है। भोपाल शहर में, मतलब भोपाल शहर में किराएदार है ये? इनका खुद का कोई रिश्तेदार क्या है, किसी परिजन क्या है? नहीं, किराए से रह रहा था अभी पुराने MLA क्वार्टर में। राजधानी भोपाल में चोर बेखौफ हो गए। दिन दहाड़े शकीला बानो अपार्टमेंट में फ्लैट में घुसे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
अब खबरें खेल जगत से। टीम इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत, रोहित शिखर की जोड़ी ने किया कमाल, पाकिस्तान को मिली सबसे करारी हार। ये थी अब तक की खबरें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ अब तक, आपकी बात हमारे साथ। नमस्कार।